संजय अरोड़ा दिल्ली के 25वें पुलिस कमिश्नर के रूप में दिल्ली की कमान संभालेंगे। आधिकारिक रूप से वो 1 अगस्त से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की कमान संभालेंगे और 31 अगस्त 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। सम्मान कार्ड पर कार्ड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। इससे पहले वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे। आपको बता दें कि संजय अरोड़ा गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह लेने जा रहे हैं। बेहद साधारण परिवार से होते हुए भी संजय अरोड़ा ने जिंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल कर दिखाया है। जयपुर से उन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। ১৯৮৮ बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में अलग अलग पदों पर कार्य किया। उनके अब तक का करियर का गौरवमयी इतिहास यही बताता है कि वो एक बेहद तेज दर्रार निष्ठावान पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। वो स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक थे, जहां उन्होंने वीरप्पन गिरोह के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल की, जिसके लिए उन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया। ১৯৯১ में एनएसजी की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एलटीटीई से मुख्यमंत्री की प्रोटेक्शन के लिए विशेष सुरक्षा समूह यानी एसएसजी बनाने की अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में बतौर एसपी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संजय अरोड़ा ने 1997 से 2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी में सेवाएं दी हैं। उन्होंने वर्ष 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीपी की बटालियन की कमान संभाली। एक प्रशिक्षक के रूप में भी उन्होंने आईटीबीपी में उल्लेखनीय योगदान दिया था और वर्ष 2000 से 2002 तक आईटीबीपी एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में कमांडेंट के तौर पर सेवारत रहे। संजय अरोड़ा ने 31 अगस्त 2021 को डीजी आईटीबीपी के तौर पर 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। ২০১৪ में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक सहित अन्य कई पदकों से सम्मानित किए जा चुके हैं। इस तरह जब दिल्ली को 25वें कमिश्नर के रूप में एक बेहद निष्ठावान, कर्मठ और साफ सुथरी छवि वाला निगहबान मिला है, तो जाहिर है कि दिल्ली वासियों की अपेक्षाएं भी अब पहले से ज्यादा होंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या संजय अरोड़ा ऐसी दिल्ली दे पाएंगे जिसकी अपेक्षा दिल्ली वालों को है। एक सुरक्षित दिल्ली जिसमें हो अमन का बसेरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।